हाय फ्रेंड्स, आपका दोस्त खान सर एक बार फिर आपके सामने हाजिर है अपना नया एपिसोड लेकर। अपना एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप मेरे हर वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्टैंडर्ड 10th और 9th इनके लिए एक पेपर पैटर्न के हिसाब से यानी इंग्लिश का टाइम मैनेजमेंट लाया हूँ। ये सिर्फ इंग्लिश ही नहीं बल्कि एनी लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, एनी लैंग्वेज, जो ये लैंग्वेजेस होते हैं इनके जो पेपर्स आते हैं 80 मार्क्स के पेपर्स, इन 80 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितना टाइम होता है और उनको हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये आज मैं आपको इस एपिसोड में दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आमतौर पे हमें जो 80 मार्क्स का पेपर है वो हमें 180 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है यानी कुल मिलाकर 3 घंटों में। तो 3 घंटों का जो 180 मिनट्स का टाइम है उसमें जब उनको सॉल्व करने के लिए आता है पेपर, तो मैंने कई बच्चों से ये कंप्लेंट सुनी है। कई बच्चे मेरे पास कंप्लेंट लेकर आते हैं, शिकायत लेकर आते हैं, सर हमारा पेपर छूट गया, सर हम लोग का ऐसा प्रॉब्लम हो गया, सर मुझे आता था पर मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। तो ऐसे ही बच्चों के लिए मैं ये टाइम मैनेजमेंट लेकर आया हूँ इस बार, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट को समझें, पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कितने मिनट में कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो और कैसे करना चाहिए, ये मैं आज आपको इस एपिसोड में दिखाने वाला हूँ। ये एपिसोड यानी ये जो टाइम मैनेजमेंट है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, हमारे एग्जाम के हिसाब से मैं यहाँ पर आपके सामने जो टाइम टेबल लाया हूँ टाइम मैनेजमेंट का, उसमें अगर आप गौर करें तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश का एक एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश का पेपर लिया है। मैंने फिर आपको बताया 80 मार्क्स का जो भी लैंग्वेज का पेपर है सब लगभग ऐसे ही होते हैं। तो ये जो पेपर है इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में आपको लेक्चर देता हूँ, इंग्लिश का ही ज़्यादा समझाता हूँ, इसलिए मैंने पेपर पैटर्न भी जो है वो इंग्लिश का ही चूज़ किया है ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 180 मिनट्स को आप काउंट ना करें। आप सोचे कि 180 मिनट्स नहीं बल्कि मेरे पास 150 मिनट्स हैं, यानी 2.5 घंटे में आपको पेपर खत्म करना है। पेपर का टाइमिंग आपके लिए 3 आवर्स नहीं है बल्कि 2 आवर्स 30 मिनट्स है। आप सबसे पहले अपने माइंड में ये बात को सेट कर लें कि मुझे पेपर 3 घंटे में नहीं बल्कि 2.5 घंटे में देना है। ओके दोस्त, तो देखिए फिर हम कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले हम ये अच्छे से समझें कि वैसे हमारे पास जो अलॉटेड टाइमिंग है, देखिए मैं आपको हर चीज़ समझा के बताया हूँ कि हमारे पास जो है अलॉटेड टाइमिंग अगर हम सेट करते हैं तो 1 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या आंसर देने के लिए हमारे पास 2.25 मिनट्स का टाइम होता है। 2.25 मिनट्स यानी 2.25 मिनट। लेकिन दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बताया, आपको 30 मिनट्स को पहले स्पेयर कर देना है, साइड कर देना है, इसलिए अगर हम उसको नजर में रखते हैं तो फिर हमारे पास जो यही टाइम जो है वो अराउंड 2 मिनट्स में आ जाता है। जो 2.25 मिनट्स का था, अब वो टाइम हमारे पास इस तरह से सेट होता है कि अराउंड 2 मिनट्स से भी कुछ कम हमें जो है वो सेट करना है। यू समझिए 1.8 मिनट्स यानी लगभग 100 सेकेंड या 105 सेकेंड में आपको पेपर का अपना एक क्वेश्चन का 1 मार्क का आंसर सॉल्व करना है। ऐसे आप समझ के चलिए। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि जैसे जो क्वेश्चंस आते हैं, पहले आपके सामने मैं रख दूँ क्लियर आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले आता है सीन पैसेज,
क्वेश्चन नंबर 1A 10 मार्क्स का सेम पैसेज दूसरा क्वेश्चन नंबर 1B 10 मार्क्स का अनसीन पैसेज आता है 2A में आता है 10 मार्क्स का और फिर एक बार अनसीन पैसेज आता है फिर 2B में फिर 10 मार्क्स का फिर आता है आपके पास पोएट्री सेक्शन पोएट्री सेक्शन में आपके पास आता है पोएम्स स्टेंजा ये आपको आता है 5 मार्क्स का 3A में और फिर आता है 5 मार्क्स का 3B में उसके बाद आता है आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो कॉम्प्रिहेंशन होता है यानी रैपिड रीडिंग वगैरह में से ये आपको दिया जाता है एक तरह का ये भी अनसीन पैसेज जैसा ही होता है जिसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं ये भी 5 मार्क्स का होता है उसके बाद आपको आता है लेटर लेटर भी आपको 2 टाइप्स के आते हैं एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल एक A1 में आता है एक A2 में आता है बट आपको इन दोनों में से कोई एक करना होता है जो कि 5 मार्क्स का होता है इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5B में वो भी B1 B2 कोई एक करना होता है इसमें जो है रिपोर्ट राइटिंग या डायलॉग राइटिंग होता है रिपोर्ट राइटिंग या डायलॉग राइटिंग होता है ये भी 5 मार्क्स का होता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 फिर एक बार A1 और A2 में डिवाइड होकर आता है इसमें आपको वर्बल या नॉन वर्बल वर्बल टू नॉन वर्बल या नॉन वर्बल टू वर्बल इस तरह से आपको एनीवन इसमें भी आपको करना होता है इसका क्वेश्चन नंबर 6B में भी B1 और B2 होता है इसमें आपके पास व्यू काउंटर व्यू व्यू दिया होता है तो आपको काउंटर व्यू लिखना होता है और काउंटर व्यू दिया होता है तो आपको व्यू लिखना होता है और या फिर आपको स्पीच लिखना होता है इन दोनों में से कोई एक करना होता है या तो व्यू काउंटर व्यू या स्पीच और आखिर में क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास जो आता है वो एक्सपेंशन ऑफ आइडिया यानी पैराग्राफ राइटिंग एक्सपेंशन ऑफ आइडिया कुछ भी आता है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के बजाय उर्दू हिंदी वगैरह दूसरे मीडियम्स में उसी जगह पर ट्रांसलेशन दिया होता है कि उन्हें ट्रांसलेशन करना होता है 5 मार्क्स का तो इस तरह से मैंने आपको बाइफरकेट करके बताया कि आप देख रहे हैं कि 80 मार्क्स हमारे टोटल कैसे टोटल आते हैं इसमें हमने यहां पर हम देखें अलॉटमेंट टाइमिंग यानी 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको टाइमिंग कितना बोर्ड ने दिया है तो वो दिया है 22.5 मिनट 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स 22.5 मिनट का टाइम होता है आपको 10 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने के लिए तो देखिए आपके सामने है 22.5 मिनट पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी क्वेश्चन नंबर 2B तक आपको हर एक के लिए 22.5 मिनट मिलता है जबकि उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं क्योंकि सब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं सबके लिए आपको 11.25 यानी 11.25 मिनट का टाइम मिलता है ये अलॉटेड टाइम है अलॉटेड टाइम मतलब इतना टाइम आपको दिया गया है इसमें आपको सॉल्व करना है अब हमें क्या करना होता है टाइम बचाना कैसे बोलते हैं इकोनॉमी कब अच्छी रहती है जब हम कमाएं ज्यादा और खर्च कम करें तो ही तो हमारी इकोनॉमी अच्छी रहेगी तो ही तो हम कुछ कर पाएंगे सेम ऐसे यहां पर हमारी कमाई है देखिए 180 मिनट्स लेकिन हमें इस कमाई को बचाना है और खर्च कितना करना है 150 मिनट अभी 150 मिनट यानी 2 घंटे 30 मिनट हम कैसे करें कैसे निकालें कैसे एडजस्ट करें वो मैंने भी आपको यहां पर समझाया कि पहला क्वेश्चन जो 10 मार्क का है 10 मार्क का जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है देखिए ध्यान से पहला क्वेश्चन जो आपका 10 मार्क का है उसमें आपको 18 मिनट्स यानी 22.5 मिनट की जगह आपको 18 मिनट्स में कंप्लीट करना है यानी आपने यहां पर अपने 4.5 मिनट बचा लिए ये आपको 18 मिनट्स में कंप्लीट करना है यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्योंकि सबका सेम है तो आपको हर क्वेश्चन 18 मिनट्स में कंप्लीट करना है हर क्वेश्चन के लिए यानी 10 मिनट्स का आपको 18 मिनट्स में कंप्लीट करना है यानी एक मार्क के लिए आप 1.5-2 मिनट लगभग 1.5-2 मिनट यानी 100 सेकंड्स लगभग आप अगर यूज करते हैं
तो आप कंप्लीट कर ले जाओगे, बचा ले जाओगे। उसी तरह बाकी के जो देखिए लाइन से पोएट्री के लिए और कॉम्प्रिहेंशन यहां तक के लिए मैंने आपको इसमें 9-9 मिनट का टाइम जो है स्पेंड करने के लिए बोला है, यानी इसमें आपका 2.25 मिनट में आपको बचाने के लिए बोल रहा हूं इन दोनों में, तीनों में। इसके बाद यहां लेटर राइटिंग में थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम आता है, मुझे पता है लेटर राइटिंग में कंफ्यूजन होता है, और मैं आने वाले किसी एपिसोड में आपको पूरा लेटर राइटिंग कैसे की जाती है, लेटर कैसे लिखना चाहिए वो आपको अच्छे से समझाऊंगा, ताकि और शॉर्ट टाइम में आप लेटर राइटिंग को भी कैसे पूरा कर लें वो आपको आ जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको 10 मिनट दिए हैं। उसी तरह से हमारे जो बाकी के क्वेश्चन 3 हैं, जिसमें हमें रिपोर्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग और व्यू काउंटर व्यू, वर्बल टू नॉन वर्बल, ये जो लिखना होता है, इसके लिए मैंने आपको 11 मिनट्स का टाइम दिया है। मुझे पता है कि इसमें आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, इसलिए मैंने इनके अगर हम कंपेरिजन में देखें तो यहाँ पर मैंने आपको एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा के दिया है ताकि कवर कर सके। और आखिरी जो हमारे पास आता है वो पैसेज जो हमें लिखना होता है, यानी पैराग्राफ या फिर ट्रांसलेशन 5 नंबर का, उसके लिए मैंने आपको 8 मिनट दिया है, क्योंकि ये हम ज्यादा बहुत बड़ा लिखना नहीं होता है, शॉर्ट में लिखना होता है, ज्यादा से ज्यादा 1 फुल स्केप भी अगर कंप्लीट किया तो भी ठीक है, तो इसलिए मैंने इसके लिए आपको 8 मिनट्स का टाइम दिया। तो इस तरह से हम 150 मिनट्स में अपने पूरे टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने 150 मिनट्स में पेपर सॉल्व कर लिया तो आप समझ गए कि आपके पास आधा घंटा बचा है। अब सवाल ये उठता है, कई बच्चे में से पूछते भी हैं, कई टीचर्स भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन उठाते हैं कि आधा घंटा पहले क्या फायदा है, यानी आधा घंटा बचा के क्या फायदा है। जैसे आप बच्चों को सिखा रहे हो कि आधा घंटा बच जाएगा बेटर है, बट क्या बेटर है, क्या फायदा है, तो आइए मैं बताता हूं क्या फायदा है, वो भी हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब हमारे हाथ में पेपर आता है ना, तो हमें घबराए हुए होते हैं, हम पेपर हाथ में लेने के बाद कंफ्यूज होते हैं क्या करें क्या करें। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पूरे पेपर पर गो थ्रू, पूरे पेपर को पढ़ डालिए, शॉर्ट में गो थ्रू, देखिए आपको कौन सा उसमें से इजी लग रहा है, कौन सा आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ वही सेम टू सेम आ गया तो आपके लिए इजी हो जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले क्या कीजिए कि पेपर को गो थ्रू कीजिए। उसी के लिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है गो थ्रू एक्टिविटी शीट। जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर होता है उसे एक्टिविटी शीट कहते हैं, तो उस एक्टिविटी शीट को आप 5 मिनट में एक गो थ्रू कीजिए, तो ये आपका 5 मिनट हो गया। उसी तरह से आप जब पेपर सॉल्व कर देते हो, सब हो जाता है, आपको पेपर टाई करना होता है ना, पेपर टाई करने के लिए वार्निंग बेल जैसे ही बजती है तो आपको टीचर्स कहते हैं कि प्लीज टाई ऑफ पेपर्स, टाई नहीं करोगे तो एंड में आपको प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये 5 मिनट्स आपको पेपर टाई अप के लिए भी मिल गए, क्योंकि आपके पास 30 मिनट्स बचा है ना, तो 5 मिनट्स आपने पहले ही कंज्यूम कर लिए, 25 मिनट्स बचा, 5 मिनट जो है वो आपने क्या किया, पेपर टाई अप के लिए किया, अभी भी आपके पास 20 मिनट्स है। तो बाकी के देखिए, टू चेक कंप्लीट पेपर, क्या होता है हम जल्दबाजी में पेपर लिखने के बाद पेपर को चेक ही नहीं करते। कई बार हमने क्या किया होता है, कोई क्वेश्चन छोड़ा होता है कि हम लोग बाद में कर लेंगे, अभी हम लोग आता है लेकिन अभी इससे अच्छा दूसरा है वो इजी है, वो सोच के हम लोग वो छोड़ देते हैं कि हम लोग बाद में करेंगे, और जल्दबाजी में वो क्वेश्चन छोड़ के ही चले जाते हैं, या फिर कभी कभी फिल द ब्लैंक्स हमने छोड़े होते हैं, कि ब्लैंक्स को छोड़ा होता है कि हम बाद में लिख देंगे, या मैथ द कॉलम है बाद में कर लेंगे, लेकिन हम लोग जल्दबाजी में और इस खुशी में कि अरे हमारा पेपर तो जल्दी हो गया, हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो इसलिए हमारे पास एक टाइम है कि हम अपने पेपर को 10 मिनट्स गो थ्रू करें और पेपर को चेक करें, जहां हमारी मिस्टेक हुई है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, हम भूल गए, उसको हम लोग फटाफट लिख लें। 10 मिनट्स अभी भी हमारे पास 10 मिनट्स बचा हुआ है, तो ये 10 मिनट जो है हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में काम आएगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज मतलब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लिखा होता है एनी 5, एनी 2, एनी 3,
और हमको आते सब है पर हम लोग छोड़ दिए होते हैं, तो वो अगर हमारे पास टाइम बचा है तो हम उसको कर दें। अगर वो हम लोग कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि हमको मार्क्स मिलने की एक फायदा हो जाएगा कि अगर हमारे हमने सपोज 5 में से 3 एक्टिविटीज किया था और 2 हमने छोड़ दिया था क्योंकि उसमें एनी 3 ही बोला था, बट अगर बाय चांस हमने जो है वो 2 एक्टिविटीज भी बाद में कर लिया और पहले की 3 एक्टिविटीज में से कुछ रॉन्ग हुआ तो हमें इस एक्टिविटी में मार्क्स मिल सकता है, यानी हमारे मार्क्स कवर हो जाएंगे, ये हमें एक बड़ा फायदा इसका मिल सकता है। तो इस तरह से देखिए हमने जो 30 मिनट्स हैं वो 30 मिनट्स हमने अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में, जिसमें हम अपनी घबराहट को खत्म कर सकते हैं, अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स को चेक कर सकते हैं, तो हम अच्छी तरह से हम जो है अपने पूरे पेपर को इजीली सॉल्व भी कर लिया, गो थ्रू भी हो गया, चेकिंग भी हो गया और कोई मिस्टेक्स था वो भी कंप्लीट हो गया। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए अगर आपके पास टाइम भी बच गया तो आप कंप्लीट भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आपने मेरा ये टाइम शेड्यूल थोड़ा सा दिमाग में लिया, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, और देखो दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने भी ये लिख दिया है, ये लिखना बहुत आसान है, बहुत इजी है, अरे हाँ हो जाएगा, नहीं होगा, ये खाली कर लेने से नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यू डोंट हैव प्रैक्टिस, आपकी प्रैक्टिस नहीं है। जब तक बेटा आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है कि हम ये क्वेश्चंस को इस टाइम को इस टाइम में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे हो जाए कि हम आसानी से कर ले, हमारे इस टाइम में हम लोग कंप्लीट कर ले, उसके लिए आपको क्या करना है? तो उसके लिए करना है कि जितने भी लेटर्स, व्यूज, काउंटर व्यूज, रिपोर्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, तो आपके पास ये गाइड्स होती है, कंपोजिशन बुक्स होती है, 21 सेट्स होते हैं, उनसे लेकर पढ़िए, पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम हर एक का कम से कम 5, यानी 5 इनफॉर्मल लेटर्स, 5 फॉर्मल लेटर्स, 5 स्पीच राइटिंग, 5 एक्सटेंशन ऑफ आइडियाज, 5 व्यू काउंटर व्यूज, ऐसे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपने डेली प्रैक्टिस रखा है, मैंने आपको याद होगा मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में ही आपको बता दिया था कि 3 महीने में आप कैसे टॉप कर सकते हो, आपको कैसे स्टडी करना है, पूरे 24 आवर्स का आपको मैंने टाइम टेबल बना के दिया था, अगर उसको आप फॉलो कर रहे हो, और मुझे होप है जो बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग कोशिश करते हैं, जिसे कुछ हासिल करना होता है ना वो कोशिश करते हैं, और जिन्हें कुछ हासिल नहीं करना है उनके लिए कोई बात नहीं है, उनके लिए तो ऐसे ही बोलेंगे ना कि भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी करें हाँ उन्हें कोई फर्क नहीं, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो इस बात पर बराबर ध्यान देंगे कि उन्हें जो है कैसे अपनी स्टडी को तैयार करना है। तो जैसे मैंने बताया आपने अगर 5-5 प्रैक्टिस कर लिया है हर एक चीज का, उसी तरह से जो पैसेजेस हैं, हम लोग सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे पास यही होता है, पता नहीं कौन सा पैसेज आएगा, कितने पैसेज करके जाए, किसी पैसेज में किसी लेसन में 5 पैसेजेस होते हैं, किसी में 6 पैसेजेस होते हैं, कोई कोई तो बहुत बड़े बड़े लेसन्स होते हैं। तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ आप क्या करना चाहिए, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, एनी लैंग्वेज, आप क्या कीजिए, लेसन को अच्छी तरह से पढ़िए, लेसन को अच्छी तरह से रीड कीजिए, आप लेसन अच्छी तरह से रीड करके अगर वो लेसन आपके समझ में आ गया है, लेसन को आपने क्लियरली समझ लिया है ना, उसके बाद उसके सारे पैसेजेस करना जरूरी नहीं, उसके मिनिमम 2 पैसेजेस, फर्स्ट सेकंड, 2 पैसेजेस मिनिमम कर लीजिए, 2 पैसेजेस, सब पैसेज करने की जरूरत नहीं है, अगर उस समझो किसी लेसन में 4 पैसेजेस है आप 2 पैसेज कीजिए, 5 पैसेजेस है आप 2 पैसेजेस कीजिए, हाँ अगर 7-8 पैसेज है तो आप 3 तक चले जाइए, 3 पैसेजेस कीजिए। इससे क्या होगा कि मोस्टली एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि फर्स्ट पैसेजेज यानी पहले 2-3 पैसेजेस में से ही एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादा आता है, ठीक है, तो आपको एक ये फायदा होगा। इसी तरह जो आपके पास पोएट्रीज होती है, इसके स्टेंजाज होते हैं, वो स्टेंजाज को भी आपको उसी तरह से तैयार करना है,
कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और देखो अभी जो एप्रिसिएशन ऑफ पोएम आता है, एप्रिसिएशन में पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया था, अब तो गवर्नमेंट ने और इजी कर दिया कि अब एप्रिसिएशन में आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ जो है वो पोएट्री का जो नाम है, पोएम का आपको नाम लिखना होता है, पोएट का नाम लिखना होता है, थीम लिखना होता है, रैमिंग स्कीम लिखना होता है और रैमिंग वर्ड्स लिखना होता है या फिगर ऑफ स्पीच लिखना होता है। सिंपल से यही आपको लिखना होता है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत इजीली ये सारी चीजें आ जाएगी। तो मुझे होप है कि जैसा मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, अगर आपने मेरी ये बात को समझा है तो डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ कि आने वाले 2 महीने जो अभी आपके पास बचे हैं मार्च में बोर्ड एग्जाम में, और अभी इससे आपका प्रीलिम जो मे बी 2-3 दिन में 4-5 दिन में मे बी वीक में आपका स्टार्ट होने वाला होगा, उसमें भी आपको इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आप ट्राई करके देखिए, कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।